2006 दिसंबर, निठारी कांड, 19 कंकाल मिले थे और कोठी नंबर 5 वो नोएडा की अचानक सुर्खियों में आ गई थी। या आदिवासियों के मुंह पर जब पेशाब की जा रही थी तब भी कोई संगठन नहीं उस तरह से खड़ा हुआ था कि वो दिल्ली में जाकर के रामलीला मैदान में या कहीं और क्या करके वो प्रदर्शन कर रहा। सारे जो एलीट क्लास था उसको डरा दिया गया। और इस आंदोलन धर्मता के गायब होने से, उसके कमजोर होने से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो न्याय, क्योंकि लोकतंत्र एक मशीनरी नहीं है। तमाम संस्थान और उन संस्थानों में वो मानवाधिकार संगठन भी होते हैं, वो नागरिक समाज भी होता है। दोस्तों नमस्कार, देश नीति के विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं रवि कांत। न्याय अगर देर से मिले या न्याय में अपराधी को ठीक से सजा ना मिले तो वो न्याय नहीं होता। न्याय जिसके आधार पर लोकतंत्र मजबूत होता है, लोगों का विश्वास मजबूत होता है, वो न्याय अगर लोगों से परे चला जाए, लोगों को न्याय न मिले, तो फिर लोगों का विश्वास उठने लगता है उस पूरी व्यवस्था से। आज एक ऐसा ही केस लंबे समय के बाद हमारे सामने आया। 2006 दिसंबर, निठारी कांड, 19 कंकाल मिले थे और कोठी नंबर 5 वो नोएडा की अचानक सुर्खियों में आ गई थी कि वो कंकाल कहां से आ रहे थे, किसके कंकाल थे वो। और जब पुलिस तफ्तीश करती है तो मालूम पड़ता है कि उस गांव की कई लड़कियां गायब हैं। और फिर ऐसे नरपिशाच सामने आते हैं, मोनिंदर सिंह पंडित और सुरेंद्र कोहली जो उसका केयर टेकर था उस कोठी का। बाद में पुलिस ने जो तफ्तीश में चीजें सामने लेकर के सामने की वो थी कि वो सुरेंद्र कोहली उन लड़कियों को उन गांव से बहला फुसला करके लाता था, उस कोठी में रेप होता था, मौत होती थी और उनके टुकड़े कर करके उन्हें बहा दिया जाता था। वो नरकंकाल अचानक मिले थे और उस समय ये केस इतना सुर्खियों में आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। शिवपाल सिंह यादव से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं, पूरी सरकार घिर गई थी, लोगों ने गुस्सा अपना जाहिर किया था और उसके बाद इन दोनों अभियुक्तों को सजा हुई थी सीबीआई कोर्ट से और वो सजा थी मौत की। इस पर भी बहस हो सकती है कि मौत की सजा अभी भी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मौत की सजा को अब खत्म कर दिया है या मौत की सजा के स्वरूप को बदल दिया है। भारत में आज भी फांसी दी जाती है। कई देश ऐसे हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं मौत के, लेकिन ऐसे क्रूर लोगों के लिए, इतने बेरहम अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, इस पर बहस फिर कभी की जा सकती है। लेकिन आज तो मसला ये है कि इन दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और एसए एच रिजवी की बेंच ने, ऑब्वियस है कि सबूतों के अभाव में, कोर्ट को लेकर के कई बार विमर्श होता है और ये बात निकल करके आती है कि जब कोई कोर्ट के सामने सबूत नहीं पेश कर पाता है तो वो जज ये जानते हुए भी कि ये अपराधी हैं वो सजा नहीं दे पाता।
ये दोनों बर्बर, क्रूर और अस्थाई रिहा हो जाएंगे। एक और केस की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, जिसका लाल हत्याकांड, अप्रैल 1999 का केस, एक मॉडल जेसिका लाल, जो भोर के 2 बजे एक पार्टी में एक गोली चलती है और जेसिका लाल की हत्या होती है। जेसिका लाल की बहन वो ट्रायल करती है, लगातार कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाती है और उसे मिलता क्या है, कोई भी अपराधी सबूत में सामने नहीं आता और वो जो हत्यारा है वो छूट जाता है। और फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मीडिया ने ट्रायल किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने हस्तक्षेप करके फिर से उस केस को खुलवाया और आखिरकार जेसिका लाल हत्याकांड में एक राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति का बेटा मनु शर्मा, जिसे सजा होती है, लेकिन उसकी आजीवन कारावास की सजा भी अब खत्म कर दी गई। जुलाई 2020 में तिहाड़ से उसकी रिहाई हो चुकी है। एक और केस, मधुमिता हत्याकांड, ये केस भी उसी के दरमियान का है, 2003 9 मई की घटना। युवा कवित्री, जो अभी ठीक से 20 साल की भी नहीं हुई थी, अमरमणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के बड़े रसूख वाले नेता, जो कई सरकारों में मंत्री रह चुके थे, मायावती के भी सरकार में मंत्री थे, कल्याण सिंह के सरकार में मंत्री रहे, फिर रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में भी और राजनाथ सिंह की सरकार में भी वो मंत्री रहे। इस तरह के रसूख वाला मंत्री जब किसी मामले में फंसता है तो क्या उसके खिलाफ कोर्ट सजा देगा, ये सवाल तो रहता ही। उस समय तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप किया और इसलिए भी हस्तक्षेप किया कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं थे, एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी मशहूर थी। कवित्री मधुमिता शुक्ला के हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को सजा होती है। हुआ क्या, ये दोनों ही पति पत्नी स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते रहे और अगस्त 2023 तक उनका ज्यादातर कारावास अस्पतालों में कटा। ये मजाक था, ये धब्बा था कोर्ट की उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर, पूरी पुलिस की व्यवस्था पर। और अगस्त 2023 में उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया। ये केस भी थोड़ा सा सुर्खियों में आया था, लेकिन अंततः सब कुछ जैसे सामान्य हो गया। अब किसी की रूह नहीं कांपती, अब किसी को ये चिंता नहीं होती कि अब ऐसे मामलों पर सड़क पर उतरा जाए। आप ये कह सकते हैं कि जो रसूख वाले लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके मुद्दों पर, उनके मुकदमों पर, उनके केस में लोग सड़क पर उतरते हैं, क्योंकि ये जाने पहचाने चेहरे होते हैं। ये भी सही है कि न जाने कितने लोग इसी तरह से न्याय को खरीदते हैं, न्याय उनके सामने बेबस होता है, उन गवाहों को भी खरीद लिया जाता है, डरा दिया जाता है। उन्नाव के वो सेंगर विधायक, जिनके ऊपर भी रेप के तमाम केस थे, और जिस बेटी के बलात्कार में वो सजा भोग रहे थे, उसकी मां को, उसके परिवार को, इन तमाम लोगों की मौत हो गई और पता भी नहीं चला। कौन कह सकता है कि वो मौत किसने करवाई, हेरा फेरी का, लेकिन अन्ना हजारे जैसे सोए हुए रामदेव, जो बाबा से फिर धन्ना सेठ हो गए, पूंजीपति बन गए, वो भी उसमें थे। लोगों का विश्वास उठ गया आंदोलन से और अब लोग
नहीं खड़े होते हैं, आगे चल करके कुछ और आंदोलन हुए। और याद पड़ता है कि जब जब इस देश में कोई इस तरह का केस हुआ, चाहे रेप का केस हुआ हो दिल्ली में, वो निर्भया केस में भी तमाम विश्वविद्यालय के छात्र निकल करके सामने आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एक महिला की डिग्निटी, उसके अधिकारों के सवाल पर वो थे, और कुछ बड़े मशहूर प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे, वे सब कूदते हैं और तिरंगे के साए में आंदोलन चलता, लंबा आंदोलन चलता है लोकपाल के लिए। लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि वो सरकार जो यूपीए की कहलाती थी, वो इतनी ज्यादा बदनाम हो गई कि वो सत्ताच्युत हो गई। लेकिन वो सवाल आज भी जीवित है, अन्ना हजारे का कोई अता पता नहीं, वो आंदोलन करने वाली मंडली का भी कोई अता पता नहीं, जो उनके महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी हुई, पार्टी बनी, सरकार भी बन गई, और अब खुद वो भ्रष्टाचार के घेरे में है। तो क्या किसी आंदोलन के जरिए लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करके पार्टियां खड़ी की जाती हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाते हैं? अन्ना हजारे के बारे में कहा जाता है कि उनको इस्तेमाल किया गया था। अब तमाम भ्रष्टाचार के केस हैं, हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के तमाम मामले आ रहे हैं, अडानी का इतना बड़ा केस हेरा फेरी का, लेकिन अन्ना हजारे जैसे सोए हुए। रामदेव जो बाबा से फिर धन्ना सेठ हो गए, पूंजीपति बन गए, वो भी उसमें थे, लोगों का विश्वास उठ गया आंदोलन से, और अब लोग नहीं खड़े होते हैं, आगे चल करके कुछ और आंदोलन हुए। और याद पड़ता है कि जब जब इस देश में कोई इस तरह का केस हुआ, चाहे रेप का केस हुआ हो दिल्ली में, वो निर्भया केस में भी तमाम विश्वविद्यालय के छात्र निकल करके सामने आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एक महिला की डिग्निटी, उसके अधिकारों के सवाल पर वो सड़क पर उतर आए थे, उन विश्वविद्यालय को ही नेस्त्रबूत कर दिया गया है, उस जेनियो को, जामिया को, डीयू को, वहां के तमाम छात्र संगठनों को, वहां के तमाम जागरूक छात्रों को पुलिस की लाठियों से, उस बर्बरता से इतना दबा दिया गया है कि वो आज आंदोलन करने की जरूरत नहीं करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने क्या क्या, अर्बन नक्सल, देशद्रोही, ये तमाम इल्जाम लगा करके उनकी विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, और उसमें पूरा सत्ता तंत्र, मीडिया तंत्र भी शामिल था, पुलिस प्रशासन तो था ही। किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, 13 महीने तक वो किसान उन 3 काले कानूनों को खत्म कराने के लिए दिल्ली की सरहदों पर जमा रहे। 750 किसानों की शहादत हो गई। लेकिन उस आंदोलन में जिस तरह की पुलिस ने बर्बरता की थी, उस पूरे आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए उस पर खालिस्तानी आतंकवाद जैसे आरोप लगाए गए थे, उन किसानों को अमीर और पिज्जा खाने वाले किसानों के रूप में दुष्प्रचारित किया गया था। उसी समय टूलकिट जैसा शब्द आया था भारत की राजनीति में। ये जो ट्रोलिंग पूरी मशीनरी थी वो लगी हुई थी उस आंदोलन को ब्रेक करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, और वही हुआ कि लोग डर गए, सहम गए, अब उनकी आंदोलन करने की हिम्मत उतनी नहीं है, हिम्मत टूट गई है। CA NRC का बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट पूरे भारत में, क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, क्या हैदराबाद, और उस आंदोलन को भी पुलिस ने बर्बरता पूर्वक दबा दिया। कोरोना के नाम पर उस आंदोलन को खत्म कर दिया गया, हजारों लोगों पर FIR दर्ज कर दिए, वो कोर्ट और कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं, उनकी दौलत, उनका पैसा सब बर्बाद हो रहा है, व्यवसाय उनके बर्बाद हो। पर एक और आंदोलन हुआ महिला पहलवानों का, यौन शोषण के खिलाफ वो खड़े हुए थे, इसी सरकार के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन उस आंदोलन को भी
पुलिस की लाठियों तले, पुलिस के बूटों तले रौंद दिया गया और उल्टे उन्हीं पर मुकदमे दर्ज कर दिए। यही वजह है कि अब महानगरों से कोई आवाज नहीं उठती। मानवाधिकार संगठनों को एनजीओ बता दिया गया, उनको आंदोलन जीवी कहकर के उनका मजाक उड़ाया गया। यही कारण है कि अब लोग उन पर उतना भरोसा नहीं करते। तो आप कोई भी केस हो, चाहे रेप के केस में न्याय मांगने की जरूरत हो, या दलितों के उत्पीड़न के संदर्भ में, या आदिवासियों के मुंह पर जब पेशाब की जा रही थी तब भी कोई संगठन नहीं उस तरह से खड़ा हुआ था कि वो दिल्ली में जाकर के रामलीला मैदान में या कहीं और जा करके वो प्रदर्शन कर रहा। सारे जो एलीट क्लास था उसको डरा दिया गया। और इस आंदोलन धर्मता के गायब होने से, उसके कमजोर होने से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो न्याय, क्योंकि लोकतंत्र एक मशीनरी नहीं है। तमाम संस्थान और उन संस्थानों में वो मानवाधिकार संगठन भी होते हैं, वो नागरिक समाज भी होता है, वो जागरूक समाज भी, जिम्मेदार समाज भी होता है, जो अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हस्तक्षेप करता है, खड़ा होता है, जैसे तमाम केसेस में वो खड़ा हुआ था। चाहे वो जेसका लाल का हत्याकांड हो, उसके बाद जो सजा मिली वो उसी आंदोलन धर्मता के चलते मिली, या निर्भया कांड में जो पॉस्को एक्ट बना वो भी उसी आंदोलन धर्मता के चलते बना। और अब जिस तरह से रिहा हो रहे हैं ये अपराधी समय के पहले, या वो पूरी उस न्याय व्यवस्था में की आंखों में धूल झोंक करके जिस तरह से वो सैर कर रहे हैं, कभी पेरोल पर रिहा होते हैं तो कभी अस्पतालों में अपनी पूरी सजा को काट लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, रसूख भी है, और जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है वो उनके सामने नतमस्तक होती है। इसने संविधान के भीतर की जो मूल भावना है, उस न्याय की, जस्टिस की, उसको कमजोर किया है। संविधान में जो संस्थाएं हैं वो कमजोरों के पक्ष में खड़ी होती है, जो कानून है वो विक्टिम के पक्ष में खड़ा होता है, वो कानून मजलूमों के पक्ष में खड़ा होता है। जैसे अंबेडकर, गांधी, नेहरू जिन कमजोरों के पक्ष में खड़े हो रहे थे, जिनके लिए बात कर रहे थे, भगत सिंह जिनके सपने थे कि देश में समता और न्याय स्थापित हो, वो लोग जो इस देश के किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, जिन पर वो सामंती ताकतें, वो पूंजीवादी ताकतें, या वो राजनीतिक सत्ता या धर्म सत्ता, पितृ सत्ता जब हमले करती है तो संविधान उनकी रक्षा करता है, संवैधानिक संस्थाएं उनके पक्ष में खड़ी होती हैं, दलीलें देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन संस्थाओं को संचालित करने वाले कौन है? अगर संस्थाओं को संचालित करने वाले लोग, अगर मीडिया में बैठे हुए लोग, अगर न्यायालयों में बैठे हुए लोग, या पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी को चलाने वाले लोग अगर उस मानसिकता के हैं जो न्याय में भरोसा नहीं करते, या जो बिक जाते हैं, या जो डर जाते हैं, या जो ये सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ऐसे में उस मजलूम को कैसे न्याय मिल सकता है? वो मधुमिता शुक्ला की बहन जिसने लंबा संघर्ष किया, निधि शुक्ला ने अमरमणि त्रिपाठी और मधु त्रिपाठी को सजा दिलवाने में, वो बहन आज बेबस नहीं होगी क्या जब उनकी रिहाई हो गई अगस्त 2023 में? जेसिका लाल की वो बहन, उसने स्ट्रगल करके मनु शर्मा को जो सजा दिलवाई थी, और जब तिहाड़ से उसकी रिहाई होती है समय के पहले, तो क्या उसको कष्ट नहीं हुआ होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो जो आज का घटनाक्रम है कि उस निठारी कांड में ये दोनों अपराधी, जिनको कोर्ट कभी अपराधी कह चुकी थी, आज भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको रिहा कर रहा, आज आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने उनको रिहा किया है तो वो अपराधी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है
पुलिस की उस पूरे तफ्तीश में ये निकला था कि वो कैसे बर्बर तरीके से उन गरीबों को, और ये जो नोएडा है, नोएडा वो सत्ता तंत्र का एक नया केंद्र बन रहा था उस समय। आज तो उस नोएडा में तमाम मीडिया हाउसेस हैं, उस नोएडा में तमाम राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों की बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, एक पूरा शक्ति का केंद्र है। और उन जो नए सत्ता के केंद्र उभर रहे थे, जो नया महानगर बन रहा था, जो नया शहर बन रहा था, उनके आसपास उन गांव के लोगों को क्या कीड़े मकोड़े समझा जा रहा था। इनकी बेटियों को कुचल दिया गया, उठा करके जिनके साथ रेप किए गए, जिनको मार दिया गया, काट दिया गया, फेंक दिया गया, क्या वो गांव के लोग न्याय के लिए इतना स्ट्रगल कर सकते थे? जरूर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई होगी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई होगी, लेकिन कितना बेबस रहा होगा वो पुलिस प्रशासन तब भी और आज भी, जो सबूत नहीं दे सका। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिससे उन दोनों ही अपराधियों, उन दोनों ही बर्बरों के जो सजा होनी थी वो सजा में छूट मिल गई, उनको रिहा हो गए, तो क्या न्याय इसी तरह से भटकता रहेगा? जो विक्टिम है क्या इसी तरह से मजबूर होता रहेगा? हमारी कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी है, और वो इसलिए है कि वो कोई भेदभाव नहीं करती किसी गरीब और अमीर के बीच में, किसी रसूख वाले या किसी कमजोर व्यक्ति के बीच में। लेकिन सवाल यह है कि अगर न्याय देर से मिले तो क्या वो न्याय होता है? और अगर अपराधी अगर समय के पहले छूट जाए तो क्या वो न्याय होता है? सवाल यह है कि जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उन बेटियों को खोया, छोटे छोटे बच्चों को खोया, जिस बहन ने अपनी बहन मधुमिता शुक्ला को खोया, या जेसिका लाल के परिवार ने जो खोया, क्या वो वापस आ सकता है? बस एक उम्मीद होती है न्याय की, कि वो न्याय कम से कम मिलता हुआ दिखे, न्याय होता हुआ दिखे, ताकि लोगों का भरोसा उस पूरे तंत्र में कायम रहे। और अगर इस तरह से रसूख वाले लोग उस न्यायिक तंत्र पर, पुलिस प्रशासन के तंत्र पर काबिज हो जाएंगे, तो फिर आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि ऐसे केसेस में पुनर्विचार हो और हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और पुलिस सबूत जुटा करके इन अपराधियों को सजा दिलवाए, सजाए मौत जो सीबीआई कोर्ट ने दी थी इन दोनों। जरूरत इस बात की है कि नागरिक समाज भी अब फिर से खड़ा हो, क्योंकि उसकी खामोशी और उसका डर एक कमजोर देश निर्मित करता है। जरूरत है संविधान को संचालित करने के लिए कि जो नागरिक समाज है वो भी उतना ही सक्रियता से हस्तक्षेप करे और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करे। और अगर सत्ता उस पर काबिज हो रही है, उस पर हमला पर हो रही है, तो उसका जवाब भी दे और ऐसी सत्ता को उखाड़ करके फेंक दे, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संविधान की भाषा है, जो शुरुआती पंक्तियां हैं, इस देश का जो मालिक है वो इस देश के लोग हैं। सत्ता में, प्रशासन में और दूसरे संस्थानों में बैठे हुए वो लोग मालिक नहीं है, वो नौकर हैं उसको संचालित करने वाले। और इसीलिए किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्थान में न्याय सर्वोपरि। और अगर न्याय नहीं होते हुए दिखता है तो फिर लोगों का भरोसा डिगने लगता है अपने देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी और संस्थाओं के प्रति। शुक्रिया।